Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So BSc Honours Computer Science. बहुत सारे हमारे students हैं, बहुत सारे AL coders हैं जो 12th के बाद ये course कर रहे हैं Delhi University से. So for all those जिनकी बार बार request आ रही थी, जिन्होंने BSc Honours Computer Science DU से join किया है, आपके पास first semester में दो major subjects हैं जो कि computer science से related हैं, right? So, जिनकी क्लासेस आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगी. सो अगर आप इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब तो कर ही लो. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक एक करके दोनों सब्जेक्ट्स. इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पाइथन सिलेबस में कितनी है, क्या क्या आपको पाइथन में से करना होगा, राइट? सो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आपका BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स है, जिसमें आपको फर्स्ट कोर्स जो है वो है प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, राइट? सो प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन 4 क्रेडिट्स हैं आपके, इसमें 3 आपको थ्योरेटिकल होंगे और 1 आपका प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा, राइट? सो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्ट सिलेबस आपका इसमें क्या है जो आपको कवर करना होगा. सो सबसे पहला है इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स, एग्जीक्यूटिंग सिंपल प्रोग्राम्स इन पाइथन. सो दिस इज ऑलरेडी देयर इन द चैनल. मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. उसकी हम लाइव क्लासेस करते हैं पाइथन की, इसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं. आई विल टेल यू कि अभी तक हम कितना कर चुके हैं और आगे का सारा भी यहीं पर आपको पूरा मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट यूनिट कि आप बेसिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हो. यूनिट 2 इज क्रिएटिंग पाइथन प्रोग्राम्स. इसमें आप पढ़ोगे आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो अभी लेटर आएगा, पर फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको यहाँ पता चलेगा. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे, जिसमें आपके पास आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मतलब इफ एल्स कैसे लगाते हैं, लूप्स कैसे लगाते हैं, उसमें ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट कैसे काम करते हैं. देन वी विल बी डूइंग हाउ टू मेक एक्चुअल फंक्शंस और उसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्या यूज है, राइट? सो ये आपको यूनिट 2 में आ जाएगा. ये जो लोग के पास 11th और 12th में IPCS था, मतलब जो 12th में IPCS पढ़ के आए, उनके लिए रिलेटिवली बहुत ईजी है कि आप ये चीज़ अपनी स्कूल लेवल पे भी पढ़ चुके हो, राइट? बस इसमें जो नया आपके पास आ जाएगा वो यहाँ से आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, वो हमारे पास स्कूल लेवल पे कवर नहीं होता है, ठीक है? सो दैट वुड बी द न्यू थिंग ओवर हियर. यूनिट 3 इज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, वही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वाले फंक्शन, स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कैसे करते हैं, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में रिवर्सल कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है, स्प्लिटिंग कैसे होता है, कैसे आप उसे फंक्शन में पास करोगे, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है? हम अभी तक चैनल पे जो पाइथन का कोर्स चल रहा है उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 कर चुके हैं. यूनिट 3 में से मैं लिस्ट करवा चुकी हूँ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स नेक्स्ट वीक. सो ट्यूजडे एंड थर्सडे आई टेक अ लाइव क्लास एट 4:00, जिसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कराऊंगी. अब हम स्ट्रिंग्स शुरू करेंगे, लिस्ट हमने खत्म कर लिया. आफ्टर फिनिशिंग टपल्स एंड डिक्शनरी वील स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो जिनके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 12th में नहीं था, मतलब जिनके पास IPCS नहीं था, उनके लिए ये नया टॉपिक है. और इसमें हम पढ़ेंगे कि हम पाइथन में ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है जिसे क्लास कहते हैं. सो क्लास इज बेसिकली अ न्यू डेटा टाइप यू आर क्रिएटिंग, इट्स जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो वो क्लासेस कैसे बनती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, उसमें आप मेथड्स कैसे बनाओगे, कैसे एक्सेस करोगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं. सो दिस ऑल वी स्टडी इन यूनिट 4. एंड यूनिट 5 इज फाइल एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो फाइल हैंडलिंग मतलब आपका जो डेटा है प्रोग्राम का, वो परमानेंटली आप फाइल में कैसे स्टोर कर सकते हो, वहाँ से रीड कैसे कर सकते हो. प्रोग्राम में आपको डिफरेंट तरह के एरर्स आते हैं. सिंटेक्स एरर तो अगर है प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता, तो वो तो हम करेक्ट करते हैं, उसके बाद ही प्रोग्राम रन होता है. लॉजिकल एरर इज कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो गलत है, रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं है, तो वो भी हमें खुद ठीक करना है. बट एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो कि परफॉर्म करना अलाउड ही नहीं है, एंड वी नीड टू करेक्ट दैट. सो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हमारा मैनेज होता है. सो ये 5 यूनिट्स आपको चैनल पे मिलेंगी. कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग ओवर हियर. बाकी अब आपके यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दिया हुआ है. सो चैनल पर ऑलरेडी 100 डेज कोडिंग चैलेंज है पाइथन का, जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे. इनके अलावा और बहुत सारे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे. तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ,
क्योंकि आपको अपनी फाइल सबमिट करनी होगी, आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, तो यू गेट ऑल दीज प्रोग्राम्स ओवर देयर. सो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कि एन प्राइम है या नहीं, जनरेट ऑल प्राइम नंबर्स टिल एन, जनरेट फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स. ठीक है, सो ये आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. देन ये पैटर्न्स प्रिंट करने वाले प्रोग्राम्स हमने बहुत सारे किए हुए हैं, नंबर ऑफ दीज इंक्लूडिंग दीज यू हैव ऑन द चैनल, सो यू कैन व्यू दिस. प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, सो ये सारे प्रोग्राम्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर. ठीक है, सो ऑल दीज यू विल बी गेटिंग ओवर हियर. सो इसमें जो क्लासेस वाले कोड्स हैं, दैट ऑल्सो यू विल गेट इन दैट प्लेलिस्ट आई विल ऐड. सो दैट इज इट, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. पाइथन के पूरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है, आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपने अभी तक ले ली है तो इट्स फाइन, नहीं ली है सो यू डोंट हैव टू बाय अ बुक. ऑल द नोट्स, पूरा ये सारे पाइथन के टॉपिक्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सो यू कैन गेट ऑल द नोट्स. और उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, AL Coders ऐप डाउनलोड करनी है. उसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है. फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में पाइथन वाला फोल्डर देखना, उसके अंदर आपको पाइथन के सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा पाइथन का जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे. और इस सिलेबस में मेंशन एक एक चीज़, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगी. एंड सिंस आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस, तो आपको जो भी डाउट्स हैं, या आपके कॉलेज में कुछ डिफरेंट करा रहे हैं, या आपके सेशनल्स आने वाले हैं, सो यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी इन द लाइव क्लासेस. तो 4 बजे लाइव क्लास होती है. टेक आउट द टाइम, 30 to 45 minutes की क्लास होगी. सो मेक श्योर यू अटेंड द क्लास, राइट. एंड बाकी सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मार्क्स लाने की जिम्मेदारी आपकी है. अगर आप सही से पढ़ोगे तो वो तो आएंगे. और मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग स्किल्स अच्छे होना, क्योंकि अगर आप इस लाइन में आए हो तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी स्किल्स हैं. सो जितनी अच्छी कोडिंग स्किल्स होंगी, उतना बेटर करियर आप आगे जाकर एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो गो अहेड, स्टार्ट लर्निंग पाइथन अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, और अगर शुरू कर दिया है तो पाइथन 100 डेज चैलेंज को शुरू करो. पाइथन की प्रैक्टिस करनी शुरू करो, बिकॉज जितना अच्छे से आप कोडिंग करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप थियोरी एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. अगर आपके जूनियर्स हैं जो 12th में हैं अभी, उनके साथ भी चैनल शेयर कीजिए, बिकॉज दे विल गेट ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू CS एंड IP ओवर हियर. और बाकी कॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आपके फ्रेंड्स BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो सब कंटेंट आपको यहाँ चैनल पर मिलेगा. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Tab tak, like, share and subscribe. Bye for now. Take care.